ये क्या? बदला आशीष, बदला बदला आशीष, तुम्हें क्या हो गया? अपने आप को संभालो आशीष, बदला ले रहा है मुझे। कार्तिक को उसके किए की सजा दिलवानी है मुझे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? होश में आओ आशीष, बदला लेना है मुझे कार्तिक से। वो तो तुम्हारा दोस्त है। बदला लेना है मुझे कार्तिक से, बदला। डॉक्टर, आप देख रहे हैं ना इसे क्या हो रहा है? अशिम, रिलैक्स, रिलैक्स अशिम। उसी ने मेरी मौत को एक राज बना दिया है। जब मैंने आत्महत्या की तो एक लेटर लिखा था, वो लेटर उसकी ब्राउन डायरी में है। मुझे वो लेटर चाहिए, मुझे वो लेटर चाहिए। लेट मी चेक। बता लेना है मुझे, कार्तिक को उसके किए की सजा देनी है मुझे। अशिम, देखो तुमने जो सपना देखा उसे भूलने की कोशिश करो। अभी चुप कर डॉक्टर के बच्चे। मैंने कहा ना, मुझे लेटर चाहिए, क्योंकि वो लेटर ही साबित कर सकता है कि मैंने आत्महत्या क्यों की। मुझे वो लेटर चाहिए। जाओ, वो लेटर लेके आओ। एक लड़का, लड़की की आवाज। डॉक्टर, डॉक्टर, कंट्रोल योरसेल्फ। डॉक्टर, एक लड़का लड़की की आवाज कैसे निकाल सकता है? असीम, डॉक्टर आप देख रहे हैं ना इसे क्या हो रहा है? जिंदगी से बहुत उदास और परेशान, क्योंकि मैंने प्यार में धोखा खाया, जिसकी वजह से मुझे बहुत बदनामी सहनी पड़ी है। मैं पूरे होश हवास से इस सब का और मेरी मौत का जिम्मेदार कार्तिक को मानती हूँ। ये तो अनिता का सुसाइड नोट है, मगर ये यहाँ कैसे? अगर किसी ने इसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अशिम, रिलैक्स। मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। कार्तिक को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। ये काम आपको ही करना होगा सर। कार्तिक को सजा मिलनी ही चाहिए। क्या कह रहा है सर? सब ठीक हो जाएगा, एक इंजेक्शन के बाद। कॉटर, यस। वो सुसाइड नोट कार्तिक की ब्राउन डायरी में है। मुझे वो सुसाइड नोट चाहिए। डॉक्टर, वो लेटर चाहिए मुझे। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे अशिम की पूरी बात सुनिए। जो कुछ भी कह रहा है उसमें कितना सच है, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। अशिम, कार्तिक की ब्राउन डायरी में मेरा सुसाइड नोट रखा है। कार्तिक की अनीता का खूनी है, उसे सजा दिलवाओ, उसे सजा दिलवाओ। ये बार बार किस लेटर की बात कर रहे हैं? डॉक्टर, मुझे एक बार जाकर कार्तिक की डायरी चेक कर लेनी चाहिए। देखे तो सही, वो लेटर वहां है कि नहीं? कार्तिक, सर, मुझे तुम्हारा कमरा चेक करना है। मगर क्यों सर? आप कुछ ढूंढ रहे हैं सर? मुझे तुम्हारी वो ब्राउन डायरी चाहिए। सर, डायरी तो वो रही। वो लेटर कहाँ है जो अनीता ने लिखा था? कौन सा लेटर सर? अनीता मुझे लेटर क्यों लिखेगी? इनफैक्ट मुझे किसी लेटर के बारे में कुछ नहीं पता। सर, लगता है आप भी अशीम की बातों में आ गए। इस डायरी में तो वो नंबर है जो आपने मुझे लाने के लिए कहा था। पता नहीं सर, अशीम को क्या हो गया? वो मजाक पर मजाक किए जा रहे हैं। मुझे अभी आशीम को चुप कराना ही होगा और ये पता लगाना होगा कि आलोकेश अनीता के सुसाइड के बारे में क्या जानता है।
गया लोकेश का बच्चा, मुझे लगता है भाग गया डर के। मगर पता तो लगाना ही होगा ना कि आखिर वो गया कहाँ। उसे ये सब पता कैसे चला जो आज तक किसी को नहीं पता? वो कोई खेल खेल रहा हमारे साथ। मुझे तो लगता है वो अशीम भी मिल गया उसके साथ। यार मुझे भी इसी बात का डर है। मगर अशीम फंस कैसे गया उसके चक्कर में? अरे अशीम तो एक कठपुतली है, जो चाहे वो उसे वैसे ही भगा सकता है। तो अशीम से क्यों नहीं पूछता कि कल हुआ क्या था जब आलोकेश से मिला था? तो खुद क्यों नहीं पूछ लेता? अरे नहीं यार, वो मुझे देखते साथ ही पांच मिनट तक कूद पड़ता जैसे मुझे खा जाएगा। इस बार तुझे ही पूछना पड़ेगा, प्लीज। ओके, मैं ही कोशिश करता हूँ। अरे रोहित, तुम? सर, मैं वो बस अशीम को देखने आया था। चलो अच्छा हुआ, मैं चलता हूँ, तुम इसका ख्याल रख। यस सर। अशीम, अब ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। तुम लोगों को भी उसी तरह सजा मिलेगी जैसे यहां मुझे मिल रही है। सजा को छोड़, मुझे तो तुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं जब से उस बेवकूफ अलोकेश से मिला है तब से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बक नहीं रहा हूं, तुम लोगों को सावधान कर रहा हूं। एक बार जो गलती कर चुके उसे दोबारा मत करो। और हाँ, कार्तिक की तरफदारी करना बंद करो वरना बहुत पछताओगे। पछताओगे तो तुम और तुम्हारा वो बेवकूफ दोस्त अलोकेश। सीधे सीधे बताओ मुझे कहाँ छिपा है वो? मेन बिल्डिंग की छत पर अनीता के साथ। क्या, अनीता के साथ? मुझे लगता है तेरी तबीयत के साथ साथ तेरा दिमाग भी हिल गया है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अनीता की एक और निशानी। ये क्या है? अनीता का दुपट्टा। नहीं नहीं कुछ नहीं। अनीता के बारे में क्या बात कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं पूजा। रोहित मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कार्तिक, मुझे लगता है अशीम ठीक कह रहा है, अनीता की आत्मा वापस आ गई है। अरे डर के मारे तो दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बातें सोचा, भला मरकर भी कोई वापस आता है बेवकूफ कहीं का। लेकिन अनीता वापस आ गई है, अशीम सच कह रहा है। सच तो एक डर लग रहा है ना। लेकिन कार्तिक, मेरे ख्याल से आलोकेश को हमारे राज के बारे में पता चल गया है और वो पूजा के साथ मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं मगर, अगर मगर छोड़ो, चलो मेरे साथ। कम लोकेश, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अशीम ने तो यहीं पे बोला था। वो देख, वो रहा। कम हीरो, तेरा ड्रामा बहुत हुआ। ये आत्मा का नाटक छोड़ और साफ साफ बता ये चक्कर क्या है। अब की बार अनीता तुम्हें नहीं छोड़ेगी और इस बार वो अपना बदला लेकर रहेगी। अच्छा, जैसा हाल तुमने उसका किया था ना, वैसा तुम्हारा होगा। अच्छा, तुझे कैसे पता ये सब? हाँ, अनीता ने खुद मुझे बताया। बकवास है ये सब। अनीता मर चुकी है और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, तो अनीता तेरे पास वापस आके ये सब कैसे बता सकती है? ये लो। क्या ये? इससे तुम्हें सब पता चल जाएगा। कहां से मिला ये? मैंने कहा ना, अनीता ने दिए हैं मुझे। बस बंद करो अपना ये बकवास। भला मरी हुई लड़की फोटो कैसे दे सकती है? और अशीम को तूने अपने जाल में कैसे फंसाया? सच सच बताओ मुझे, तुमने ये फोटो कहां से चुराई? मेरी बात मान जाओ वरना बहुत पछताओगे। उस रात
तुम ही गए थे ना अनीता के कमरे में? हाँ, तो चुपचाप बताओ मुझे उस रात अनीता के कमरे में क्या हुआ। बताओ अनीता ने आत्महत्या कैसे की थी। ठीक है तो चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? वही रूम नंबर 105, कमरा नंबर 105। क्या? हाँ, यही एक रास्ता है सच जानने का। मगर हम अंदर जाएंगे कैसे? वैसे जैसे उस दिन मैं गया था। पता चला कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था और अनीता वहां बेड पर सोई हुई थी। कहां? वहां बेड पर। फिर मैं डरते हुए दबे पांव अंदर गया अनीता के पास। धीरे धीरे मैं अनीता के पास गया। आकर मैंने पहले उसे जगाने की कोशिश की। अनीता, वो एक सड़ी हुई लाश थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे सीने में अचानक दर्द होने लगा और मैं बहुत डरा। आलोकेश, हो गया तेरा? आलोकेश बस कर यार। आलोकेश, तुम ये? हाँ कार्तिक, रिगिंग ने तो मेरी जान ले ली। अब तुम्हारी बारी है जान देने की। इसकी कीमत चुकानी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा ऐसा। ऐसा ही होगा कार्तिक। अनीता ने मेरा सहारा लिया तुमसे बदला लेने के लिए। अब उसका बदला पूरा होगा, पूरा होगा। मैं तो मजाक कर रहा था। ये सब तुम्हें डराने के लिए क्या था लोकेश? उस मजाक ने मेरी जान ले ली। तुमने मजाक किया होगा मगर मैं मजाक नहीं करूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों कार्तिक, क्यों धोखा किया तुमने मेरे साथ? अनीता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्यों कार्तिक, क्यों माफ कर दो तुम्हें मैं? पर मैं, मुझे जाने दो। मैंने क्या किया? पहले मर जा, फिर जहां जाना है चले जाओ। कार्तिक ने मुझे मजबूर किया मरने के लिए और तुमने मेरी मौत के सच को छुपाया। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को। प्लीज प्लीज जाने दो, प्लीज माफ कर दो। नहीं 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 न